fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. दरअसल ये वीडियो होने वाला है टू गुड के ऊपर. दरअसल बाय टू गुड प्रोडक्ट जो फ्लिपकार्ट के अंदर ही एक अपने में साइड फ्लिपकार्ट के अंदर साइड है जिसमें जिससे होता क्या है कि रिफर्बिश्ड फ़ोन एंड कुछ जो फ़ोन होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट होते हैं वो सारे उसको बना के दोबारा भेजा जाता है. तो ये प्रोडक्ट सही होते हैं कि नहीं, चलिए इसी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला. तो दरअसल देखिए रिफर्बिश्ड फ़ोन होता क्या है कि कोई भी फ़ोन जैसे कि आप खरीदते हैं फ्लिपकार्ट से ऑनलाइन तो उसमें होता है उसी टाइम उसमें लिखा रहता है कि अगर उसमें ऑप्शन रहता है कि आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं तो उसमें होता है कि एक्सचेंज के टाइम ही आपको 40% या 50% बोला जाता है कि 8 मंथ या 6 मंथ के अंदर अगर आप उसको सेल करते हैं. तो देखिए यही सारे फ़ोन को दोबारा से बना के वो लोग फ्लिपकार्ट में टू गुड के नाम से भेजा जाता है. तो ये फ़ोन वाकई में सही होता है और ये फ्लिपकार्ट में आपको इसमें आपको वारंटी भी मिल जाता है. जैसे बहुत सारे फ़ोन देखते होंगे जैसे स्क्रीन के साइड में आप देख सकते हैं बहुत सारे फ़ोन दिखा रहा हूँ. ये सारे फ़ोन जो है सभी फ्लिपकार्ट में भेजे जाते हैं और ये फ़ोन में आपको वारंटी मिलता है, वो सारे सुविधा हर मिलता है जो ऐसे नॉर्मल फ़ोन में मिलता है. वारंटी के टर्म्स एंड कंडीशन जितने भी सारे नियम होते हैं बस इसका जो मंथ होता है वो थोड़ा कम होता है. और एक चीज़ मैं बात करने वाला हूँ, फ्लिपकार्ट का पे लेटर वाला ऑप्शन बहुत सारे दोस्तों का एक्टिव नहीं हुआ है. तो जैसे मैं बताने जाता हूँ नीचे देखिएगा मेरे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा तो वहाँ जाके आप उस लिंक में क्लिक करिए. देखिए कि अगर हो सके बहुतों का उस लिंक पर क्लिक करने के बाद एक्टिव हो सकता है. मैं आशा करता हूँ कि आप टाइम आ रहे हो ऐसे कि अगर आपका क्राइटेरिया फुलफिल होता है तो आपका एक्टिव हो जाएगा.